सोशल मीडिया पे जो है ये बहुत चर्चा हो रही है इस बात की, और हर कोई जो है इस वीडियो को शेयर कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है इस बारे में। तो बात ये है, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आई हैं उसका हवाला आपके सामने रखने जा रही हूँ मैं, कि खातून के साथ ज्यादती हुई है। जी हाँ, एरिया जो बताया जा रहा है वो कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, और एक निजी कंपनी है जहाँ पर ये मामला पेश आए हैं। मुबैना तौर पर जो है 6 मुलाजिम थे जिन्होंने ये काम किया है, ये गंदा काम किया है। हुआ ये, अब आपको कहानी बताते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि खातून को ओवर टाइम के बहाने कंपनी में रोका गया है। रोकने के बाद खाने में जो है वो नशा आवर चीज़ें मिलाकर दी गई हैं, जिसके बाद खातून जो है वो अपने होश और आवाज़ में नहीं रहीं, और इनके बाद जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया और खातून के साथ ज्यादती की गई, ये गंदा और घिनौना काम किया गया। और कहा यह भी जा रहा है कि रात भर जो है वो खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है, जिसके बाद खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान की बाजी हार गई और इस दुनिया से जो है वो चल बसी हैं। इस कहानी का एक रुख तो ये है, दूसरा रुख जो है वो दूसरा है, बिल्कुल आपको सुन के हैरानी होगी। दूसरा रुख इस कहानी का ये है कि बताया ही जा रहा है, कुछ हमारे ज़राए हैं जिन्होंने हमें ये बताया है, कुछ गैर मुसद्दिका इत्तला भी इस वक्त तक ये आई हैं कि खातून जो हैं वो नशा आवर चीज़ों की आदी थी, और जिस रात उनकी इंतकाल हुआ है, जिस रात वो जा बहक हुई हैं, उन्होंने नशा आवर जो डोज हैं उसकी ज्यादती की अपने साथ, वो ज़्यादा मकदार में ली, जिसके बाद उनकी हलाकत हुई। हलाकत उस खातून की उसी दौरान हुई है जब ओवर टाइम में उस खातून को कंपनी में रोका गया है। तो यहाँ दो पर्सपेक्टिव आपके सामने आ गए हैं, लेकिन अब आपको बताती हूँ कि मुसद्दिका खबर क्या है इस चर्चा में जो सोशल मीडिया पे हो रही है। इसमें खबर ये है कि अब तक जो है वो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अभी एमएलए ने जो है वो मेडिकल रिपोर्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है, जिसकी वजह से अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हरकत में नहीं आए हैं। अभी तक पुलिस स्टेशन में जो है इस डेड बॉडी की कोई एंट्री नहीं हुई है। एंट्री कब होगी? जब जो एमएलए की रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी, जब मेडिकल की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन हम डिमांड ये कर रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट, ये खबर सच्ची है, जो सोशल मीडिया पे चर्चे हो रहे हैं ये सच्ची बात है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इंसाफ, हक और सच का बोल बाला हो। और इस मैसेज के साथ मिलूंगी आपसे अलविदा, कि आप देखते रहेंगे वॉइस ऑफ नेशन। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।